दोस्तों नमस्कार। आज के बात करने जा रहे हैं हम लैब असिस्टेंट की, अगले वीडियो की। ये आपके लिए जो वीडियो आ रहा है, ये आ रहा है क्लासिफिकेशन के ऊपर ही है, और क्लासिफिकेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं के बारे में एनिलेशन पे। इससे पहले की जितने भी वीडियो है उस पर कहीं ना कहीं हम बहुत ही धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो वीडियो आएंगे वो थोड़ी स्पीड से होंगे। स्पीड का मतलब ये होगा वीडियो की हम थोड़ा टाइम ही बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में एक या दो वीडियो साथ में डालेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो दोस्तों अब सीधे बात करने जा रहे हैं एनिलिडा संघ की। एनिलिडा संघ एक ऐसा संघ है जिस पर एग्जामिनर या परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होती है। एग्जामिनर चाहता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठे, है ना, क्योंकि इसके विषय में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे एनिलिडा संघ के बारे में, आपको स्वयं को महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने आप लगने लगेगी। एनिलिडा संघ का नाम हमारे पास में आ रहा है एनिलिडा संघ, और इस संघ से आप अच्छे ढंग से परिचित भी हैं, कहीं ना कहीं आप इस संघ को जानते भी हैं। तो एनिलिडा संघ के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि इन्हें वर्मिस, एनिलिडा संघ को वर्मिस यानी कि एनिलिडा जितने भी थे, झुंडे जितने भी थे, उसमें वर्मिस में रखने का श्रेय लिनियस को जाता है। लिनियस ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको किसमें रख दिया, वर्मिस में रख दिया। लेकिन बाद में लेमार्क ने इनको एक नया संघ बनाया, जिस संघ का नाम क्या रखा, एनिलिडा संघ रखा। किसने रखा है, लेमार्क ने, क्या रखा है, एनिलिडा संघ का नाम। आखिरकार इसके लक्षण क्या पाए जाते हैं, लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, इसके लक्षण के अंदर देखे जाए तो इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी कि बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, इनमें क्या होता है तो सिलोम या गुहा पाई जाती है, सिलोम या क्या होता है इनके अंदर, गुहा पाई जाती है। ये बात होगी द्विपाश सम्मिति पाई जाती है, सिलोम या गुहा पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, इनके देह गुहा या देह भित्ति जो है, यानी कि इनके ऊपर जो ऊपर की जो वॉल है वो कितनी लेयर की होगी, तो ये ट्रिप्लोब्लास्ट होती है। क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट होती है, त्रिस्तरीय, ये त्रिस्तरीय होती है। क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मिजोडर्म। क्या होती है, एक्टो एंडो एंडो और मिजोडर्म, मिजोडर्म तीन प्रकार की होती है, एक्टो एंडो और मिजोडर्म होती है, एक्टो एंडो और मिजोडर्म होती है। दूसरी बात क्या, इसमें उच्चरण किससे होता है, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेफ्रिडिया ही वो चीज है जो उच्चरण करती है। जितने भी उच्चरण वाले पॉइंट आते हैं वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ध्यान देना उच्चरण किससे होगा, नेफ्रिडिया। क्या इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, जी हाँ, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन जिनमें होता है वो आपको पता है, इनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन सा लार्वा है, तो लार्वा को भी आप जानते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, या ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो ये भी आपको याद हो गया। अच्छा, ये श्वसन कहाँ से करते हैं, तो श्वसन जो करते हैं वो त्वचीय होता है। कैसा होता है, त्वचीय श्वसन होता है। इनमें रुधिर किस प्रकार का होता है, रुधिर ब्लड किस टाइप का होता है, तो रक्त जो बहता है इनमें बंद निर्योग बहता है, क्या होगा, बंद प्रकार का, कैसा होगा, बंद प्रकार का। क्या इनमें पाचन पाया जाता है, बिल्कुल इनमें पाचन पाया जाता है। सही जवाब क्या है, इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, पूरा का पूरा तंत्र पाया जाता है। एक और चीज क्या महत्वपूर्ण है, क्या इनमें क्यूटिकल है, हाँ साहब इनमें क्यूटिकल भी है, क्यूटिकल है, लेकिन क्यूटिकल कैसी है, तो क्यूटिकल इसमें पतली होती है, कैसी होती है, पतली होती है। जैसे सजीव है तो सबके सब समुद्री है, सबके सब क्या है, समुद्री है ना, सबके सब क्या है, समुद्री है, अधिकांश सदस्य क्या है, सबके सब समुद्री है। ये बात बात होने की क्रिटिकल होता है। अब इसके आगे एनिलिडा संघ की बात करें, सबसे पहले वर्मिस में लिनियस में रखा, लिनियस के बाद में लेमार्क है जो एनिलिडा संघ की बात करता है, और लक्षण है द्विपाश समिति पाई जाती है, सिलोम या गुहा पाई जाती है, त्रिस्तरीय होती है, इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म मिजोडर्म पाया जाता है, इसके बाद में समुद्री होते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा को अपन ट्रोकोफोर कहते हैं, श्वसनीय त्वचा से होता है, श्वसन त्वचा से होता है, रुधिर जो उसके किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है, पाचन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, क्रिटिकल पाई जाती है। लेकिन क्रिटिकल की खासियत क्या है, तो क्रिटिकल की खासियत है पतली होती है। ये पूरी की पूरी बात हमारे पास में किसके बारे में हुई, एनिलिडा। अब इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, आखिरकार इसका वर्गीकरण जो है आगे वाला भाग वो हम इसमें करते हैं। एनिलिडा संघ का वर्गीकरण यानी कि इसको बांटना, हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो एनिलिडा संघ को
इसकी चार क्लासें हैं। कितनी क्लासें हैं इसकी, तो इसकी क्लास कितनी है, चार क्लास है। सबसे पहले आता है पॉलीकिटा, पॉलीकिटा, पॉलीकिटा इसकी पहली क्लास है। दोस्तों पॉलीकिटा इसकी पहली क्लास है, तो इसकी क्या खासियत है, एक तो ये समुद्री होते हैं, एक क्या होते हैं, ये समुद्री होते हैं। पॉलीकिटा पहली क्लास है, और एनेलिडा की पॉलीकिटा क्लास के अंदर क्या है, ये समुद्री होते हैं। दूसरा, आप सब लोगों को पता होगा कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पार्श्वपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पार्श्वपाद, है ना, पेरापोडियम। पेरापोडियम में, पेरापोडियम जो होता है आपको याद भी आ गया होगा, जो बायो के स्टूडेंट है उनको, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि पेरापोडियम क्या होता है। तो नेरीज के अंदर, नेरीज के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा जो कि जनन काल में विकसित होता है, हेटरोनेरीज, नेरीज ज्यादा रहा होगा, जनन काल में विकसित होने वाली एक ऐसी चीज, उसे क्या कहते हैं अपन, तो पेरापोडियम कहते हैं। अच्छा, इसके शब्द सदस्य कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। सभी सदस्य कैसे होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं। दूसरी बात, इसके पार्श्वपाद पाए जा रहे हैं, मांसाहारी होते हैं। ये सारे सदस्यों का उदाहरण कौन सा होगा, अभी बोला मैंने नेरीज, है ना, दूसरा मैंने बोला है नेरीज के बाद एम्फ्रोडाइट, एम्फ्रोडाइट समुद्र चूहा, एम्फ्रोडाइट। देखिए ये पॉलीकिटा संघ का, पॉलीकिटा क्लास का एग्जाम्पल है। कौन कौन सी क्लासें हैं, सबसे पहली वाली क्लास है पॉलीकिटा, पॉलीकिटा क्लास के अंदर समुद्री है, पार्श्वपाद पाए जाते हैं, पेरापोडियम पाया जाता है, पार्श्वपाद यानी। और बायो के जो विद्यार्थी उनको ध्यान है कि नेरीज का उदाहरण सही है, और नेरीज एम्फ्रोडाइट का उदाहरण है। और ये सदस्य कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। नेरीज आपने देखा होगा इस तरह का एक जीव होता है, जो साइड साइड में उसके इस तरह के पार्श्वपाद निकले होते हैं, है ना। वो क्या करता है कि जब चंद्रमा की रात होती है तब एक रिगलिंग गति करता है, गोल 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 घूमता है, और साथ साथ में उल्टा होता हुआ चलता है। ये बात आपने किसके बारे में पढ़ी, नेरीज के बारे में पढ़ी। अब दूसरा यानी कि पॉलीकिटा के बारे में पढ़ी। अब पॉलीकिटा के बाद में आता ओलिगोपिटा, ओलिगोपिटा, ओलिगोपिटा कौन सी क्लास है, तो इसकी दूसरी क्लास है। ओलिगोपिटा की क्या खासियत है, बात करते हैं इसके बारे में, क्या बात कर रहे हैं अपन, क्लास जो हमारे पास में आती है ओलिगोपिटा आती है। ये क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, या कभी कभी क्या होंगे, स्वच्छ जलीय होंगे, स्वच्छ जलीय, स्थलीय होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, है ना। स्थलीय स्वच्छ जलीय होने के साथ साथ में इनकी एक विशेषता ये भी पाई जाती है कि इनके अंदर किसी प्रकार का सिर, नेत्र, स्पर्शक नहीं पाया जाता, सिर नहीं है, नेत्र नहीं है, स्पर्शक नहीं है, तीनों चीजें इसके अंदर नहीं होंगी, तो ये स्वेदी अंग नहीं होंगे। क्या होता है, इनके अंदर सिटी पाया जाता है, सिटी पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं, गति करते हैं, सिटी पाया जाता है, और क्या करते हैं, गति करते हैं। गति का मतलब क्या हो गया, मोशन करेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, तो सिटी पाया जाता है और गति करते हैं। क्या इनमें जबड़े होते हैं, जी साहब इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, इनमें क्या नहीं होंगे, जबड़े नहीं होंगे। कैसे होंगे, ये उभयलिंगी होंगे, कैसे होंगे, उभयलिंगी, है ना, यानी कि बाइसेक्सुअल होंगे, है ना, जबड़े नहीं होंगे। बीच में मैंडिबल और मैक्सिलरी, मैक्सिलुला जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, जबड़े उनमें नहीं होंगे, ये उभयलिंगी होंगे। क्या होगा इनमें, तो प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा, परिवर्तन मैंने आपको कई बार, हर बार बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष परिवर्तन मतलब लार्वा अवस्था नहीं पाई जाना, इसमें किसी प्रकार की क्या होगी, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन तो होगा, लेकिन लार्वा अवस्था क्या होगी, नहीं होगी, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा, लार्वा अवस्था नहीं होगी। तो क्या होगा, कोकून पाया जाएगा, क्या पाया, इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आई है, कोकून पाया जाएगा। अच्छा, कोकून पाए जाने की बात में अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन है, केचुआ, केचुआ भारतीय केचुआ, फेरेटिमा पोस्टमा भारतीय केचुआ। दोस्तों मैं जिन जिन फाइलम की बात कर चुका हूँ या जो फाइलम मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इनके प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि करने वाले जो सदस्य हैं, जैसे इसमें केचुआ और हिरुडिनेरिया है, पोरिफेरा के अंदर यूस्पोन जिला है, है ना, सिलेंट्रेट के अंदर अलग चीज है, अलग पॉइंट से हम बात करेंगे। ये हर वाली ध्वनि हमें कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती है ना, आपको भी करती है और मुझे भी करती है। पॉलीकिटा, ओलिगोकिटा, उसके बाद में आ गया हिरुडिनिया, इस आवाज के लिए अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही हमेशा जारी है ना। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया में क्या होंगे, लंबे होंगे, कैसे होंगे, लंबे होंगे, बेलनाकार होंगे, बेलनाकार होंगे। इनमें कितने होंगे, दो चूषक पाए जाएंगे, सकर्ष कितने होंगे, चूषक कितने होंगे, दो होंगे, दो चूषक पाए जाएंगे। और ये प्रचलन, चलने के लिए, प्रचलन, प्रचलन के लिए क्या होंगे, तो इनमें पेरिपोडिया पाया जाएगा, पेरिपोडिया, पोडिया,
नहीं पाया जाएगा, पेरिकोडिया नहीं पाया जाएगा। क्या इनमें सीटी होगी? जी नहीं, पार्श्वपाद भी नहीं होगी और सीटी भी नहीं होगी। तो ये कैसे चलेंगे? ये चुसक के जानेंगे, किसी पे भी चिपक जाएंगे, चिपकने बाद ये गति कर जाएंगे और वहां से छूट जाएंगे दूसरे तालाब, एक तालाब से दूसरे तालाब में चले जाएंगे या एक जीव से दूसरे जीव। अधिकांश परजीवी भी होते हैं, बाह्य परजीवी जो होते हैं यही होते हैं, अधिकांश बाह्य परजीवी होते हैं। ये अपने अंडे जो होते हैं इनके, वो अंडे किसमें देते हैं? कोकून, कोकून में देते हैं। अंडे किसमें देंगे? ये अंडे कोकून में देंगे, है ना। और इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, हिरुडिनेरिया, है ना, भारतीय चौंक, हिरुडिनेरिया भारतीय चौंक। इस पर भी एक मैं वीडियो पूरा लाऊंगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न आएगा, 100% इसमें से एक प्रश्न आने की संभावना है। तो हिरुडिनेरिया पे यहाँ तक अपने बात करें, लंबे बेलनाकार दो चूसक पेरापोडिया नहीं पाए जाते, इसमें सीधी इस प्रकार नहीं होगी। अंडे जो होंगे कोकून में देंगे और इनमें खंडी भवन जो होता है वो विकसित होता है। खंडी भवन जो होता है वो क्या होता है? खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन, खंडी भवन बिल्कुल फिक्स होता है और विकसित होता है। ये सारी की सारी बात कर ली। अब अगला वीडियो, अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में आता है आर्की एनिलिडिया। कौन सा पॉइंट है? आर्की एनिलिडिया, कहाँ पर लिखूं? मिटा दो इसको, मिटा दो, है ना। आर्की एनिलिडिया ये आया आपका, आर्की एनिलिडिया। आर्की एनिलिडिया जो है क्लास हमारे पास में, आर्की एनिलिडिया जो क्लास है इसकी क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्री होते हैं, लंबे होते हैं, इनमें भी सिर है ना, नेत्र जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती। समुद्री है, लंबे हैं और सिर और नेत्र जैसी चीजें कुछ भी नहीं है। समुद्री है, लंबे हैं, सिर नेत्र नहीं है, या आर्की एनिलिडिया की बात कर रहा हूँ। और ये अधिकांश कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, कुछ उभय लिंगी भी होते हैं, उभय लिंगी भी होते हैं, ध्यान देना। अधिकांश एक लिंगी है, कुछ इनमें से कैसे होंगे? इनमें उभय लिंगी भी होंगे। क्या इनमें खंडी भवन पाया जाता है? हाँ, इनमें खंडी भवन तो पाया जाता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता। पाया तो जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता। खंडी भवन तो पाया जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या बात करी? आज के वीडियो में हमने बात करी कि एनिलिडिया संघ की, एनिलिडिया संघ के अंदर हमने चार क्लासों में विभाग किया, उनके सामान्य लक्षणों की बात करी, है ना। आज ही दूसरी वीडियो भी अपलोड होगी, वो कांस्टेबल के भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और फिजिक्स के भी हैं। आप लोगों को लगातार हमसे जुड़ा रहना है, बना रहना है और ये स्टडी को अपने नोटबुक में लिखना। फिर कह रहा हूँ, जब तक आप अपने नोटबुक में नहीं लिखेंगे, खाली वीडियो में वीडियो देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। साथ साथ में एक और बात, टाइम मिलने पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में लिखिए तसल्ली से बैठ के, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स की तरह ही आपके काम आएंगे, है ना। अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो में कुछ दम है, मेरे द्वारा की गई मेहनत में कुछ आपका सार्थक सिद्ध हो रहा है, तो इसे एक लाइक करके मुझे अनुग्रहित अवश्य करें। जय हिंद।